हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मॉस के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हम लोग कॉलम और स्ट्रट के बारे में चर्चा करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आसान आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं जो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। तो कॉलम किसको कहते हैं? तो कहता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी मेंबर जो वर्टिकल हो और कॉम्प्रेसिव लोड को थामता हो उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां आप नोटिस करते होंगे जो छत है, जो बीम है, उसको थामने के लिए हम लोग एक वर्टिकल मेंबर लगाते हैं जिसको हम लोग पिलर कहते हैं। तो उसी पिलर को यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं? कॉलम कह रहे हैं। या अगर कोई मशीन है, उस मशीन में कोई स्ट्रक्चर वर्टिकल है और लोड को थाम रहा है, तो वो भी क्या हो गया? कॉलम का एग्जाम्पल हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो वर्टिकल हो और कॉम्प्रेसिव लोड को अपने अंदर लेता हो, ऐसे सारे स्ट्रक्चरल मेंबर को कॉलम कहेंगे। अगर आप किसी पुल का एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रिज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जो बड़ा बड़ा पाया बना हुआ रहता है जिसको हम लोग पिलर कहते हैं और उसके ऊपर आपका जो है सतह दिया रहता है, रोड रहता है, तो वो सारा का सारा जो लोड है वो क्या करता है? पिलर या कॉलम उसको लेके फाउंडेशन को दे देता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो वर्टिकल है और कॉम्प्रेसिव लोड को ले रहा है उसको हम लोग कॉलम कह रहे हैं। फिर हम लोग अगर ट्रस के बारे में चर्चा करें तो ट्रस क्या है? तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर को जब हम एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं, चाहे उसको आप पिन ज्वाइंट कर दें, नट बोल्ट के मदद से ज्वाइंट कर दें और वहां से कोई स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसको हम लोग ट्रस कहते हैं। और ट्रस क्या करता है? हेवी लोड को बियर करता है, थामता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप कोई लोहा का ब्रिज देखे होंगे, पुल देखे होंगे, तो उसका जो फ्रेम ऊपर का जितना सारा फ्रेम रहता है, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम लोग क्या किए हैं, मेन पिलर कॉलम के ऊपर इसको रख दिए हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये आपका ट्रस हो गया, यही आपका ट्रस हो गया। अगर आप कोई बड़ा सा टावर देख रहे होंगे, मान लीजिए आप इस तरह से टावर देख रहे हैं, तो ये टावर में भी क्या है? हेवी इलेक्ट्रिकल वायर रहता है, तो ये टावर भी क्या हो गया? ट्रस हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ट्रस बनाते कैसे हैं? तो आयरन के बड़े बड़े फ्रेम स्ट्रक्चर को लेके उसको ज्वाइंट करते हैं, चाहे वहां नट बोल्ट का ज्वाइंट करे, पिन ज्वाइंट करे, वेल्ड कर दे और उससे मिलके कोई स्ट्रक्चर बनाओ जो लोड को थाम रहा हो, उसको हम लोग ट्रस कह रहे हैं। तो कहता है ट्रस क्या होता है या स्ट्रट क्या होता है? तो इस ट्रस के अंदर ये सब जो है एक एक पार्ट को हम लोग मेंबर कहते हैं। तो ऐसा कोई भी मेंबर जो कॉम्प्रेसिव लोड को ले रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा कोई भी इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसा मेंबर जो कॉम्प्रेसिव लोड को ले रहा हो, तो ऐसे सारे मेंबर को हम लोग स्ट्रट कहेंगे। और स्ट्रट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। तो क्या कह रहा है? तो ध्यान से सुनेंगे, यहां पर कॉलम के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहा है कॉलम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे मेंबर को जब हम कंबाइन कर दे और उससे एक फ्रेम तैयार हो जाए जो लोड को कैरी करता हो, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहां पर कह रहा है कि कॉलम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का एक ऐसा मेंबर, एक एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं। तो कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर और ए मशीन एलिमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियली और नॉन एक्सियली, जिसको हम लोग इसेंट्रिक भी कहते हैं, वर्टिकल कॉम्प्रेसिव लोड। मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो एक्सियली, मतलब अगर हम इस पिलर का फ्रंट व्यू देखना चाहेंगे तो इसके सेंटर से होते हुए अगर लोड जा रहा है, देखिए ऊपर से कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है तो फाउंडेशन नीचे से भी एक रिएक्शन फोर्स कॉम्प्रेसिव दे रहा है। तो अगर एक्सिस से होते जाए तो एक्सियल लोड, अगर एक्सिस से कुछ हट के कोई लोड लगे, जैसे यहां पर कुछ डिस्टेंस से हट के लोड लग रहा है, तो ऐसे लोड को एक नए नाम से जाना जाएगा, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक लोड। बात समझ में आ गया? अब ये इसेंट्रिक लोड इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। क्लियर एकदम हो गया? तो क्या कहा? कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर, ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है और या तो मशीन का कोई ऐसा एलिमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियली और नॉन एक्सियली वर्टिकली कॉम्प्रेसिव लोड। ठीक है, एक कॉलम जिसको हम आम भाषा में पिलर भी कहते हैं, तो एक कॉलम ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द सीलिंग, जो छत है, जो रूफ है या जो बीम है, जो स्लैब है, उसके सारे लोड को, इवन वो अपने खुद के लोड को भी लेके कहां दे रहा है? फाउंडेशन को, सतह को दे रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स ऑन वे टू द फाउंडेशन। बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है कि एक कॉलम ट्रांसमिट द लोड, ये जो लोड इस पर लग रहा है
फ्रॉम द सीलिंग या रूफ या बीम या स्लेब से, या इवन उसका खुद का वजन को वो लेके कहां दे रहा है, फाउंडेशन को दे रहा है। बात समझ में आ गया। अब फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट आ जाता है टर्म, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। जैसे अगर मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहें तो ये हम पेन का एक रिफिल ले लिए, ठीक है, तो ये रिफिल का दो डायमेंशन दिख रहा है, एक तो लेंथ दिख रहा है और इसका एक डायमीटर दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है। अगर हम किसी एक एंड को फिक्स कर दिए, मान लीजिए इस एंड को फिक्स किए और इस एंड पर हम दबाव डालें, तो हो सकता है कि जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये देखिए इस तरह से बेंड कर गया, तो ऐसे घटना को बकलिंग कहेंगे। बात समझ में आ गया। तो कॉलम जो है अगर शॉर्ट हाइट का रहेगा तो याद रखना वो सिर्फ कॉम्प्रेस्ड होगा, पर अगर कॉलम लंबे हाइट का है तो वो कॉम्प्रेस्ड भी हो सकता है और बकल भी हो सकता है। तो यहां से जब हम इसको कॉम्प्रेस्ड किए तो आप नोटिस कर रहे हैं ये इस तरह से बेंड कर रहा है, तो जितना लेंथ बेंड करने के लिए परमिशन देता है ऐसे लेंथ को हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। तो कॉलम का हम इफेक्टिव लेंथ पता कर लेते हैं, और कॉलम का ये जो डायमीटर है जिस पर फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, तो ऐसे सेक्शन को हम लोग लैटरल डायमेंशन कहते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, लैटरल कहेंगे, और जिधर फोर्स लगता है वैसे डायमेंशन को क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। तो फोर्स की दिशा में जो डायमेंशन आएगा उसको लीनियर, और फोर्स के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन आएगा उसको क्या कहेंगे, लैटरल। तो मान लेते हैं अभी यहां पर कि इसका इफेक्टिव लेंथ जो है वो एल है, और ये इसका डायमीटर है या ब्रेथ है, जो भी मान सकते हैं, तो इसको लैटरल कहेंगे। लैटरल का मतलब होता है फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लैटरल कहते हैं और फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन को लीनियर कहते हैं। तो अगर हम इफेक्टिव लेंथ को लैटरल डायमेंशन से भागा दे दे और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। बात समझ में आ गया कि अगर इफेक्टिव लेंथ मान लीजिए ये है और उसका लैटरल डायमेंशन ये है, उसको अगर भागा दे दे और उसका मैग्नीट्यूड जो है 3 से ज्यादा होगा तो वहां पर उसको स्ट्रट ना कह के कॉलम कहेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा, कॉम्प्रेसिव मेंबर ऑफ ए फ्रेम स्ट्रक्चर कहता है किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर का, जैसे बिल्डिंग एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रिज ले लेते हैं, तो अगर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर जो कॉम्प्रेसिव लोड ले रहा है तो उसको हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं, कॉलम कह रहे हैं। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का जो पिलर होता है वो एक कॉलम का बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। अगर हम किसी पूल का ले ले तो पूल का जो पाया होता है वो भी क्या हो गया, कॉलम के अंदर आ गया। बात समझ में आ गया। अब चलिए स्ट्रट के बारे में बात करते हैं, तो क्या कह रहा है, ए बार और स्ट्रक्चरल मेंबर इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में रहे। देखिए कॉलम हमेशा वर्टिकल रहेगा, अगर कोई स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल हो गया तो उसको हम बीम कह देंगे, पर स्ट्रट क्या है, किसी भी पोजीशन में रह सकता है। तो ए बार और ए स्ट्रक्चरल मेंबर इन एनी पोजीशन, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो या वर्टिकल हो, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड, यहां भी जो लोड ले रहा है वो कैसा ले रहा है, एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड ले रहा है, इज कॉल्ड स्ट्रट, तो उसको स्ट्रट कहेंगे। कह रहा है इट इज स्मॉलर इन लेंथ, मतलब कॉलम का जो लेंथ होगा वो काफी ज्यादा रहेगा पर स्ट्रट का जो लेंथ रहता है वो कम रहता है एज कंपेयर टू कॉलम, ठीक है। तो इट इज स्मॉलर इन लेंथ एंड यूज इन ट्रस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ट्रस कह रहे हैं, और ट्रस में क्या होता है, ध्यान देंगे यहां से एक मेंबर, ये मेंबर को यहां पर हम लोग ज्वाइंट बना दिए, यहां पर हो सकता है रिवेट मार दिए होंगे, तो ट्रस में क्या होता है, जो मेंबर रहता है उसके ज्वाइंट पर सारा कॉम्प्रेसिव लोड लगता है। इसका मतलब अगर हम इस मेंबर का एग्जांपल ले तो इसके ज्वाइंट पर यहां पर कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है, इसी को हम यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो क्या कर रहा है, यूज्ड इन ट्रस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में जो जो मेंबर यूज कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, स्ट्रट हो गया। और कहां देखने को मिल जाएगा, तो अगर हम लोग अपने इंजन को, मतलब अगर हम लोग फोर व्हीलर चला रहे हैं या टू व्हीलर चला रहे हैं, तो इंजन को खोलते हैं तो वहां पर एक कनेक्टिंग रॉड होता है, ठीक है, और पिस्टन रॉड होता है जो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है, तो वो भी क्या हो गया, एग्जाम्पल स्ट्रट का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आ रहा है। और इस केस में क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ बटे लैटरल डायमेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 से कम होगा। अगर इफेक्टिव लेंथ और लैटरल डायमेंशन का मैग्नीट्यूड जो है 3 से कम होगा तो उसको कॉलम ना कह के हम लोग स्ट्रट कहेंगे, इवन वो वर्टिकल भी रहेगा तब भी, ठीक है। और अप्लाइड लोड इज ऑलवेज एक्टिंग एट द ज्वाइंट, और हमेशा याद रखना है कि ट्रस
स्ट्रट का जब हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रट में हमेशा जो लोड लगेगा, कॉम्प्रेसिव लोड, अगर किसी ट्रस के एग्जांपल से उसको समझना चाहे तो हमेशा वो कहां लगेगा, उसके ज्वाइंट में लगेगा। तो आई थिंक आपको अब कॉलम और स्ट्रट अच्छे से समझ में आ रहा है। जनरली आपको जो कॉलम है वो स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, जैसे बिल्डिंग हो, पूल हो, वहां देखने को मिलेगा, और कोई तैयार फ्रेम स्ट्रक्चर हो, मतलब लोहा को कनेक्ट कनेक्ट करके कोई स्ट्रक्चर बना दे जो लोड को थाम रहा है, तो उसको हम लोग ट्रस कहेंगे। तो ट्रस में एकक मेंबर को हम लोग स्ट्रट कह रहे हैं, और वो सारा मेंबर क्या कर रहा है, कॉम्प्रेसिव लोड को ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपने सब्जेक्ट में, अपने मॉस के सिलेबस में, यहां पर मेनली जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो कॉलम पर ही बेस्ड रहेंगे, क्योंकि वहां भी हम लोग स्ट्रट जो ले रहे हैं वो सारा का सारा वर्टिकल एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट करेंगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है और कॉलम के अलग अलग केसेस में इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट इसको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो किसको कहते हैं और इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। तो अगर किसी कॉलम को हम कंसिडर करें तो कॉलम का एक आपको हाइट दिख रहा है जो यहां पर लेंथ है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल है जिस पर लोड परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये इसका डायमीटर है। तो कहता है कि अगर किसी कॉलम के इफेक्टिव लेंथ को उसके लिस्ट लैटरल डायमेंशन से भागा दे दे तो जो कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगा उसी को हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो कहेंगे। ठीक है, इसको हम फिगर के साथ आपको समझाते हैं, पहले डिफिनेशन क्लियर करते हैं। कह रहा है सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ किसको कहेंगे, द लेंथ ऑफ कॉलम विच इज एक्चुअली बेंडिंग, मतलब कॉलम का वह लेंथ जो कभी बेंडिंग हो, कब, जब हो सकता है उस पर कोई लोड जरूरत से ज्यादा लग जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मान लीजिए ये रिफिल है, तो इस रिफिल पर अगर हम छोटा सा लोड दे रहे हैं तो ये बकल नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा, बकल का मतलब यहां पर मुड़ जाना। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम बहुत ज्यादा लोड दें तो इसका कुछ भाग जो है बेंड करेगा, तो किसी कॉलम का उतना लेंथ जो बकल हो रहा है, जो बेंड हो रहा है, जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे लेंथ को इफेक्टिव लेंथ कहेंगे। तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या है कि कॉलम का इफेक्टिव, मान लीजिए कि अगर पूरा का पूरा लेंथ ही बकल हो रहा है तो वहां पर टोटल लेंथ उसके इफेक्टिव लेंथ के बराबर होगा। तो क्या कह रहा है कि सिलेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ का मतलब द लेंथ ऑफ कॉलम विच इज एक्चुअली बेंड और डिफ्लेक्ट टू द लिस्ट लैटरल डायमेंशन। यहां लिस्ट लैटरल डायमेंशन कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉलम है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कॉलम, तो क्लियर है कि जो फोर्स आप लगाएंगे ये परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, तो फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग लीनियर कहते हैं और फोर्स के परपेंडिकुलर को लैटरल कहते हैं। तो अगर ये ब्रेथ है और ये मान लीजिए डेप्थ है या थिकनेस है, तो क्लियर है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो ब्रेथ हो सकता है डेप्थ से ज्यादा रहे, नहीं तो ब्रेथ हो सकता है डेप्थ से कम रहे। यहां पर हम मान के चलते हैं कि ब्रेथ ज्यादा है डेप्थ कम है, क्लियर है, तो यहां पर लिस्ट कौन होगा लैटरल में, मतलब ब्रेथ भी लैटरल है डेप्थ भी लैटरल है, तो इसमें लिस्ट कौन होगा, तो डेप्थ होगा। तो इफेक्टिव लेंथ को लिस्ट लैटरल डायमेंशन से अगर भागा दे दे तो जो टर्म हमको मिलेगा उसी को सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो बिटवीन इफेक्टिव लेंथ टू द लिस्ट लैटरल डायमेंशन, नहीं तो, और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द बकलिंग एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर पहले इसके अनुसार समझते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब मान लीजिए एक कॉलम है या स्ट्रट है, उसके दोनों एंड को हिंज कर दिए। हिंज कहने का मतलब है कि आप अगर देखे होंगे घर में, अगर आपके घर में सीजर होगा, कैची होगा, तो ये कैची इस तरह से है, यहां पर हम लोग हिंज कर देते हैं। अब इस पॉइंट के अबाउट बॉडी आराम से मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ये पॉइंट क्या हो गया, हिंज हो गया। तो उसी तरह हम ये कॉलम को किसी प्लेट में रख के नट बोल्ट से कस सकते हैं, तो वो हिंज कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस कॉलम को हम हिंज कर दिए दोनों एंड से, और हम क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, और जिस कॉम्प्रेसिव फोर्स में कोई स्ट्रक्चर बेंड कर जाए उस कॉम्प्रेसिव फोर्स को एक नए नाम से जाना जाएगा, दैट इज कॉल्ड बकलिंग लोड। बात समझ में आ गया, ऐसा कॉम्प्रेसिव फोर्स जो स्ट्रक्चर को बेंड कर दे, ऐसे कॉम्प्रेसिव फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, बकलिंग लोड कहेंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है
इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया कि वैसा लेंथ जो बेंड हो जाए, किसके कारण हो रहा है, बकलिंग लोड के कारण हो रहा है। तो यहां पर मान लेते हैं कि ओरिजिनल लेंथ बिफोर बेंडिंग जो था वो एल था, और जब ये बेंड कर रहा था इसका पूरा भाग बेंड कर रहा था, इफेक्टिव लेंथ यहां पर एल ई हो गया। ठीक, तो एल ई हम यहां लिख दिए। अब ये हो सकता है कि ये जो कॉलम स्ट्रट है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, नहीं तो रेक्टेंगुलर है। अगर सर्कुलर होगा तो दोनों साइड इसका डायमीटर डी होगा, तो हम लोग डायमीटर से भागा दे दिए। अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ये स्ट्रट या कॉलम होगा तो ब्रेथ होगा, डेप्थ होगा। ब्रेथ यहां पर ज्यादा बड़ा मान लिया डेप्थ से, तो लिस्ट कौन होगा, छोटा कौन होगा, तो छोटा ये होगा। तो फिर से यहां डेप्थ से भागा दे दिए। बात समझ में आ गया। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन इफेक्टिव लेंथ टू द लिस्ट लैटरल डायमेंशन। बात क्लियर है तुम्हें? इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नहीं तो स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ टू द लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। आपको याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेक्शन हम लोग जब पढ़े थे तो वहां पर पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज इक्वल टू एरिया गुना रेडियस ऑफ जायरेशन का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं के इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकाले तो एक्स एक्स कर दिए, वाई एक्सिस के अबाउट निकाले तो वाई वाई कर दिए। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आप पढ़े थे मूवमेंट ऑफ इनर्सिया एक्स एक्सिस के अबाउट बी डी क्यू बटे 12 और वाई एक्सिस के अबाउट डी बी क्यू बटे 12। ठीक, और एरिया से भागा दे दिए। अब इसमें से जो छोटा होगा उसी को हम लोग कहेंगे लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। बात समझ में आ गया। तो इफेक्टिव लेंथ को अगर लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन से भागा दे दे तो जो टर्न बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो। पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देंगे, हो सकता है शॉर्ट नोट्स में ये लिखने के लिए आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम में जब आप जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, इवन आपके सेमेस्टर एग्जाम में इफेक्टिव लेंथ से जरूर क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, एकदम रट जाइएगा, और उसको ट्रिक्स भी आपको बता देते हैं जिससे आप आसानी से रट सकते हैं। इफेक्टिव लेंथ, द लेंथ ऑफ द कॉलम विच इज एक्चुअली बेंड और डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल एक्सिस ड्यू टू द अप्लाइड लोड। मतलब कोई अप्लाइड लोड लगाने के कारण कोई कॉलम अपने ओरिजिनल एक्सिस से कितना बेंड करता है, डिफ्लेक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टिव लेंथ कहेंगे। अलग अलग तरह के अरेंजमेंट में इफेक्टिव लेंथ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसमें चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। बोथ इंड हिंज, मतलब किसी कॉलम के दोनों एंड को हिंज कर दे। तो यहां देखिए, यहां पर हिंज का मतलब हो रहा है कि आप मेरा हाथ यहां देख रहे हैं और मार्कर को इसके बीच में रख दिए, ठीक है, या पेन रिफिल को रख दिए और यहां से होल कर दिए और पिन लगा दिए, तो ये इसके अबाउट आराम से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हिंज यही हो गया। जैसे यहां पर आपको बताएं कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, हिंज हो गया। तो यहां पर क्या कि एक प्लेट रखे इधर और पीछे एक प्लेट रखे और इसके बीच में कॉलम को डाल दिए या स्ट्रट को डाल दिए, हिंज कर दिए। अब अगर हम इस पर अप्लाइड लोड लगाए देंगे, कॉम्प्रेसिव अप्लाइड लोड, तो पहले इसका लेंथ एल था, तो ये याद रखना है जब हिंज रहेगा तो इसी पॉइंट से ये इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, बकल कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो यहां पर जो इफेक्टिव लेंथ होता है पाया गया है कि वह ओरिजिनल लेंथ के बराबर होता है। समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बोथ इंड हिंज, तो इफेक्टिव लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ के बराबर रहेगा, किसका, कॉलम के ओरिजिनल लेंथ का। ठीक है, एकदम याद कर जाना है इसको। ठीक है, और इसी को हम लोग सबसे आइडियल केस भी मानते हैं। बोथ एंड फिक्स, अगर दोनों एंड फिक्स रहेगा, जैसे मान लीजिए हम लोग घर में जो पिलर खड़ा करते हैं, कॉलम खड़ा करते हैं, उसका दोनों एंड फिक्स रहता है। ठीक है, तो अगर दोनों एंड फिक्स है तो याद रखना जहां फिक्स है वहां से कभी भी बेंड नहीं करता, डिफ्लेक्ट नहीं करता, नीचे से भी नहीं करेगा, ऊपर से। मान लीजिए इस पर कॉम्प्रेसिव लोड हम पी डालें, ठीक, तो यहां से कुछ नीचे से इस तरह से यह डिफ्लेक्ट करता है। एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि इफेक्टिव लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ का आधा होता है। पहले क्या था, पूरा था, कब, जब दोनों एंड हिंज था, जब दोनों एंड फिक्स हुआ तो कितना हो गया, आधा, मतलब 50% बकल होता है। क्लियर एकदम है। चलिए तीसरा क्या है, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। मतलब एक एंड इसका फिक्स कर दिया, देखिए इसको कस के हम पकड़ लिए, और एक एंड क्या है, फ्री है। क्लियर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके घर के पास जो है बड़ा सा बंबू का पेड़ लगा हुआ है, बांस का पेड़ है, ठीक है, और आपके बालकनी से एकदम वो सटा हुआ है। क्लियर, जैसे यहां पर भी है। अब मान लीजिए आपको किसी दिन जो है
आपको बाहर कहीं पार्टी उटी में जाना होगा और घर में पूरा ताला लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, बालकनी से बाहर भाग सकते हैं। तो यहाँ इस जो पेड़ है, जो बंबू का पेड़ है, जो बांस का पेड़ है, इसके ऊपर सेक्शन पर आप यहाँ पर पकड़े, और जैसे पकड़ेंगे तो हो सकता है अगर यहाँ पर कोई खाई हो, गड्ढा हो, तो आपके लोड के कारण ये देखिए, पहले तो इसका लेंथ एल था, मैक्सिमम ये कितना बेंड कर सकता है, तो ये देखिए खाई तक जा रहा है, तो ये अपने ओरिजिनल लेंथ का दो गुना हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं, देखिए ये एंड फिक्स, आप अपना पेन निकाल के भी देख सकते हैं, और यहां पर आप इसको बकल करने का कोशिश करेंगे, इस पॉइंट से ये इस तरह से मुड़ेगा, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ है वह ओरिजिनल लेंथ का दो गुना हो सकता है। क्लियर? कब? जब एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री है। अब लास्ट आ जाते हैं, एक एंड फिक्स है और एक एंड हिंज है, तो उस केस में पाया गया है कि जो इफेक्टिव लेंथ है वह एल बटे रूट टू होता है, मतलब ओरिजिनल लेंथ का रूट टू होता है, मतलब लगभग 70% बकल होता है। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जहां से हिंज किया रहेगा वहीं से बॉडी या स्ट्रक्चर मेंबर जो है बेंड करेगा, तो यहां भी देखिए हिंज किया हुआ है तो यहीं से होगा, जहां फिक्स रहेगा उससे कुछ ऊपर में करेगा, तो इस तरह से फिगर बनाएगा। तो आई थिंक आज आपको इफेक्टिव लेंथ और सिलेंडरनेस रेशियो, कॉलम स्ट्रट के बारे में कुछ जानकारी मिल चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कॉलम कितने टाइप का होता है, जिसमें हम लोग शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम के बारे में पढ़ाई करेंगे, टाइप ऑफ लोड जो कॉलम पर लगता है, जिसमें कॉम्प्रेसिव लोड होगा, बकलिंग लोड होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।